So, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टू बी मोर प्रोडक्टिव इन ऑटोकैड। तो चलिए देखते हैं। Hey there, this is Roopesh Bajaj and welcome back to The Civil Story. Those who don't know, we create construction professionals, and if you want to be the one, I recommend you to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss any update from us. ये वीडियो सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे है and this is the part 2 of AutoCAD tips and tricks for more productivity सीरीज का। तो चलिए आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को देखते हैं। जो सबसे पहला ट्रिक और यू कैन से टिप जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मैच प्रॉपर्टी कमांड। तो व्हाट इज मैच प्रॉपर्टी कमांड? बेसिकली अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैच प्रॉपर्टी कमांड यूज करके आप आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेरे पास अभी दो ब्लॉक्स हैं, एक का कलर ब्राउन है एंड दूसरे का वाइट है। अब मुझे ये ब्राउन कलर इसको भी देना है, बट मेरे पास ऐसे n नंबर ऑफ वाइट ब्लॉक्स है, मुझे सबको कलर देना है। तो आप कहोगे कि मटेरियल्स सेम मटेरियल हम प्रोवाइड कर देंगे सबको, बट मटेरियल प्रोवाइड करते वक्त आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मटेरियल देना पड़ेगा जिसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, और वो टाइम बचाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो मैच प्रॉपर्टी कमांड को। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं डालूंगा मैच प्रॉपर्टी कमांड, उसके बाद में आई विल गो ऑन द सोर्स ऑब्जेक्ट दैट इज जिसका कलर और जिसकी प्रॉपर्टी आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को देना है। तो मुझे ब्राउन कलर वाला ब्लॉक की प्रॉपर्टीज वाइट कलर ब्लॉक को देना है, तो आई विल सिलेक्ट ब्राउन कलर ब्लॉक एंड देन सिंपली आई विल क्लिक ऑन द वाइट कलर ब्लॉक। आप देख सकते हो कि ये भी ब्राउन हो चुका है, बट अभी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे और भी है। तो आपको सिर्फ हर ब्लॉक पे क्लिक करना है या जो भी चीज़ है जिसकी आपको प्रॉपर्टीज मैच करना है उस पर सिलेक्ट करना है, एंड आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ कुछ सेकंड में सभी ब्लॉक्स को ब्राउन कलर कर दिया है। तो दिस इज अ रियली लाइफ सेविंग ट्रिक वाइल डीलिंग विथ 2D एज वेल एज 3D, दोनों में आप इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। द सेकंड टिप दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द ट्रिम कमांड। सो व्हाट इज ट्रिम कमांड? आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं, एंड इफ मैं बोलूँगा कि मुझे इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी लाइन्स है सबको डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? इफ़ आई विल ट्राई टू डिलीट दिस लाइन, तो आप देख सकते हो कि पूरा रेक्टेंगल गायब हो जाएगा, पर आपको ऐसा नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे? ट्रिम कमांड यूज़ करोगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप दीजिए ट्रिम कमांड, TR एंटर, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में एंटर प्रेस कीजिए एंड देन सिंपली इसको सिलेक्ट करके एंटर कीजिए। आप देख सकते हो डिलीट। द थर्ड टिप इज वेरी इजी। इसके लिए सबसे पहले मैं एक लाइन बनाऊंगा, एंड आप अभी देख सकते हो कि मैं इस लाइन को कोई भी डायरेक्शन में कोई भी एंगल पे ड्रॉ कर सकता हूँ, बट जब मैं F8 प्रेस करूँगा तो ये ऑर्थो मोड पे चला जाएगा। आप देख सकते हो F8 प्रेस करने के बाद में ये सिर्फ या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल जा रहा है, बट बहुत सी बार ऐसा होता है कि F8 तक हमारा हैंड पहुँचना थोड़ा सा अनकन्वीनियंट हो जाता है, एंड उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। एंड टू बी मोर प्रोडक्टिव आप F8 की जगह अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करना है तो आप शिफ्ट को प्रेस करके रखिए, एंड आप देख सकते हो कि आप कोई भी डायरेक्शन में अब लाइन को बना सकते हो। एंड जैसे ही आप शिफ्ट को छोड़ोगे तो ये वापस से ऑर्थो मोड पे चला जाएगा, एंड आप देख सकते हो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। So these were the few tips and tricks for today. We'll meet you in the next video.